हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं फिरोज और आप देख रहे हैं पॉन इन्फोटेक चैनल। साथियों, हम लोग कक्षा 3 का सीरीज चला रहे हैं, यानी कि गिनतारा कक्षा 3 को हम पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम पहुंच चुके हैं कितना सीखा 2, यानी इसके पहले हमने 5 लेसन और कितना सीखा 1 आपको पढ़ा दिया है। उसी सारे लेसन में से इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कितना सीखा मतलब अभी तक कितना सीखा, इसमें भाग भी दिया होगा, गुणा भी दिया होगा, प्लस भी दिया होगा, माइनस भी दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, हमने तो सीख ही लिया है ना। तो सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, हल करो और उसका पहला देखिए, 15 × 5। तो क्या करेंगे हम सॉल्व करने के, 15 × 5 कितना आसान है, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, आंसर आपका आएगा 75। दूसरा आप देखिए, यहाँ पे दिया है 10 × 6, ध्यान दीजिएगा जो चिन्ह दिया है उस पर विशेष ध्यान दीजिए, 10 × 6 तो 10 × 6, 6 का 0 में गुणा करेंगे, 0 × 6 का 1 में गुणा करेंगे 6, यानी 10 × 6 = 60। तीसरा आपका दिया है 732 × 67, क्या दिया है, 732 × 67, तो आप लिख लीजिए 732 × 67। सबसे पहले 7 से करते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, यदि वीडियो आपने देखा होगा तो आपके लिए एक चुटकियों का सवाल है। 7 × 2 में गुणा करेंगे, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21 और 1 = 22, 7 × 7 = 49, 49 × 2 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब 6 से गुणा करेंगे, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 और 1 = 19, पुनः 1 = 19, 6 × 7 = 42, 42 × 1 कितना हो जाएगा, 43। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यहाँ पे आपका प्राप्त होगा 4 × 2 = 4, 9 × 1 = 10, 10 का क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि 2 अंकों में जैसे ही परिवर्तित होती है तो दाया वाला अंक लिख देते हैं और बाया वाला अंक आपका कैरी होता है, हासिल होता है। 5 × 3 = 8 और 1 कैरी है, कितना हो जाएगा, 9, कुछ भी कैरी नहीं बचा तो 4 का 4 ही लिख देंगे। इस प्रकार से आपका गुणनफल 49044 प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल ही मत करिएगा कि ये 732 × 67 दिया है, इतनी बड़ी संख्या का गुणा हम कैसे करेंगे, संख्या में मत जाइए, एक एक अंकों को प्रत्येक अंक में गुणा कीजिए, आपका गुणनफल आसानी से प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है। अगला चौथा देखिए दिया है, 95 × 100, 95 × 100। प्यारे बच्चों, जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हों जिसमें गुण एक ऐसा दिया हो जिसमें दाएं तरफ शून्य हो, क्या हो, दाएं तरफ शून्य हो, तो सिर्फ अंकों का गुणा करके उतने शून्य आप दाएं तरफ लगा देंगे ना, आपका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, दाएं तरफ 0 = 2 दिया है, कितना शून्य दिया है, 2 शून्य दिया है, तो अंकों का सिर्फ गुणा करिए, 1 × 5 = 5, 1 × 9 = 9 और कितना शून्य है दाएं तरफ, 2 शून्य, तो 2 शून्य बढ़ा दीजिए, आपका आंसर आ गया। चलिए, विश्वास नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखिए ना, 95 × 100 यही ना है, 0 का गुणा करेंगे, 0 और 0, गुणा 0 का करेंगे, 0 और 0, क्यों, क्योंकि दूसरी बार जब गुणा करते हैं तो एक स्थान छोड़, अब 1 का 5 में गुणा करेंगे, 1 × 5 = 5, 1 × 9 = 9, जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा, 0 × 0 = 5 = 9। इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है, अंकों का अंकों में गुणा करिए, दाएं तरफ जितना 0 है उतना 0 दाएं तरफ लिख दीजिए, यही आंसर प्राप्त हुआ है, कोई फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है, समझ में आया। जब भी इस तरह के गुणे दिए हो, ऐसे 2 गुणे जिनके दाएं तरफ 0 हो, तो सिर्फ अंकों का गुणा करते हैं और दाएं तरफ जितना 0 है उतना 0 बढ़ा देते हैं, आपका आंसर एकदम सटीक और सही सही प्राप्त होगा। पांचवा दिया है, 16 × 4, मैंने कहा था चिन्ह पर विशेष ध्यान, 16 क्या करेंगे, अंदर और 4 बाहर, क्यों, क्योंकि 16 को ही बांटना है और जिस संख्या को बांटना होता है उसे अंदर, अब 4 × 16 कितनी बार में भाग गई, 4 बार में, पूरी पूरी बार विभाजित, आपका भागफल प्राप्त होगा 4, आप लिख देंगे भागफल बराबर 4।
अगला 27 भागे 3 किसको बांटना है, 27 को कितने भागों में, 3 भागों में, 3 नवा 27 कितना आसान, पूरी पूरी बात विभाजित हुई। आप आंसर जरूर लिखिएगा भागफल बराबर 9। समझ में आया कितना सीखा है। इसके पहले अगर प्रत्येक चैप्टर आपने ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा तो आप इस कितना सीखा को यूं चुटकियों में सवाल हल कर देंगे प्रत्येक क्वेश्चन। यदि उन सारे वीडियो को आपने नहीं देखा है तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के आप जैसे ही उस लिंक को क्लिक करते हैं ना, कक्षा 3 के जितने भी वीडियो अभी तक हमने बनाया इसके पहले प्रत्येक वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप कक्षा 3 के सारे वीडियो देख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए अगला 7वां दिया है 45/5 किसको बांटना है, 45 को कितने भागों में, 5 भागों में, 5 नवा 45 कितना बचा, कुछ भी नहीं, यानी कि भागफल हमारा प्राप्त हुआ 9। आंसर जरूर लिखिएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूं आंसर आप लिखेंगे आदत बनी रहेगी, परीक्षा में आप लिखेंगे नंबर 100%, जितने नंबर का सवाल उतना नंबर आपको मिलेगा। अगला 42/6 किसको बांटना है, 42 को कितने भागों में, 6 भागों में, 6×7=42, पूरी पूरी बात गई भाग, यानी कुछ भी नहीं बचा, भागफल कितना प्राप्त हुआ, 7, लिख देंगे हम भागफल बराबर 7। क्लियर। अगला 48/8 किसको बांटना है, 48 को अंदर लिखिए कितने भागों में, 8 भागों में, 8×48 कितना बचा, कुछ भी नहीं, भागफल कितना प्राप्त हुआ, 6। इस प्रकार से इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, भागफल बराबर 6। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 दिया था हल करो, यानी गुणा और भाग दोनों से मिला करके दिया था, हमने चिन्ह से ही पहचान कर लिया किसको गुणा करना है और किसको भाग करना है। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 ही में गुणा और भाग देने का मतलब क्या था, जो जिसने क्वेश्चन लिखा है उसका एक ही उद्देश्य था कि आप लोग क्या गुणा और भाग के चिन्ह को पहचानते हैं। शुरू से यदि गुणा करना स्टार्ट किए तो लास्ट तक गुणा करते ही चले जाएंगे, यानी आप चिन्ह पे ध्यान दे ही नहीं रहे। तो सबसे पहले जो बीच में चिन्ह लगा हुआ है उसको ध्यान दीजिए और किस चिन्ह का क्या मतलब होता है उसी हिसाब से उस क्वेश्चन को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक लिफाफे का मूल्य 2 रुपए है तो 4 लिफाफे का मूल्य बताओ, बताइए। तो एक का मूल्य दे दिया है 2 रुपया और 4 का मूल्य पूछ रहा है, तो 2 कितनी बार जोड़ेंगे, 4 बार। ऐसी क्रिया को हम किस माध्यम से आसानी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं, गुणा के माध्यम से। एक लिफाफे का मूल्य कितना है, 2 रुपया, तो 4 लिफाफे का तो 2×4 गुणा करेंगे, 4×2=8 प्राप्त होगा, यानी आंसर आप लिख लीजिएगा कि 4 लिफाफे का मूल्य कितना होगा, 8 रुपया होगा। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोहन साइकिल से 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, उसी चाल से 16 घंटे में वह कितने किलोमीटर चलेगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया है 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कितने घंटे में, 1 घंटे में, उसी चाल से 16 घंटे में वह कितने किलोमीटर चलेगा। तो 16 घंटे में ना अधिक का पूछ रहा है, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आप 16×5 करिए या 5×16 करिए कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, पहले ही मैं बता दिया कि गुणा की प्रक्रिया में आप अंकों का स्थान बदल सकते हैं, आपके गुणनफल में कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ेगा। प्लस की प्रक्रिया में आप अंकों का स्थान बदल सकते हैं, आपके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। माइनस की प्रक्रिया में आप अंकों को बदल नहीं सकते, आपका जो ऋण प्राप्त होगा उसमें परिवर्तन हो जाएगा। भाग की प्रक्रिया में आप अंकों को बदल करके भाग नहीं कर सकते, नहीं तो जो आंसर आपका प्राप्त होगा उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे तो गुणा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 से गुणा करेंगे, 6×5 कितना हो जाएगा, 30 होगा, अब 1×5 क्या प्राप्त होगा, 0, 5×3=8, इस प्रकार से
16 घंटे में मोहन 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। समझ में आया? जब भी एक का दिया हो, अधिक का पूछ रहा हो, तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। एक डिब्बे में 60 चाक आते हैं, ऐसे ही 45 डिब्बों में कितने चाक आएंगे? दोस्तों कितने चाक हैं एक डिब्बे में? 60 चाक है, तो 45 डिब्बों में कितना होगा? तो पहली बार एक डिब्बा में कितना? 60, फिर दूसरे डिब्बा में 60, तो 60 और 60 120, पुनः तीसरी डिब्बा में 60 तो 180। इसी प्रकार 45 डिब्बों को जोड़ना पड़ेगा, और मैंने बताया था किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही क्या कहलाता है? गुणा कहलाता है। कितनी बार जोड़ना है? 45 बार। क्यों? क्योंकि एक डिब्बे में 60 चाक है, तो 45 डिब्बे में कितना चाक होगा? आपको 45 बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे? 45 से गुणा ही कर देंगे। 5 से शून्य में गुणा करेंगे, शून्य प्राप्त होगा। किसी भी संख्या से आप शून्य में गुणा करेंगे, शून्य ही प्राप्त होगा। 5 में 6 से गुणा करेंगे, 5 छके 30। अब 4 से 4 का शून्य में गुणा करेंगे, शून्य 4 छके 24। अब क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली को जोड़ेंगे, कितना प्राप्त हुआ? शून्य, शून्य और शून्य शून्य, 4 और 3 कितना होगा? 7, यहाँ पे हो जाएगा 2। इस प्रकार से 2700 आंसर हम लिख देंगे कि 45 डिब्बों में कितने चाक आएंगे? 2700 चाक आएंगे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया है, खाली जगह भरो, और क दिया है 55/5 बराबर खाली स्थान। खाली स्थान में क्या भरना है? जो भागफल प्राप्त होगा उसी को भर देना है। कितना आसान है, किसको बांटना है? 55 को। जितने भागे जितना लिखा हो, तो पहली वाली जो संख्या होती है उसे अंदर, और जितने भागों में बांटना होता है उसे बाहर। 5 से क्या करना है? इसमें भाग देना है। 5 एकम 5, पूरी पूरी बार विभाजित हुआ, पुनः 5 उतारे, 5 एकम 5, पूरी पूरी बार विभाजित हुआ, शेषफल कुछ नहीं बचा, भागफल कितना प्राप्त हुआ है? 11। यहाँ पे देखिए जो खाली स्थान दिया है ना, जो बॉक्स दिया है, उसमें क्या भर देंगे आप? 11 भर देंगे। समझ में आया? जिस प्रकार से जो भी खाली स्थान दिया हो, उसी प्रकार से सॉल्व करते हुए उस खाली स्थान को क्या करेंगे? भर देंगे। बॉक्स दिया है, उस बॉक्स में जो उचित अंक होगा, जो उचित आंसर होगा, यदि भागफल आएगा तो भागफल भरेंगे, और यदि भाजक आएगा तो भाजक भरेंगे। कैसे प्राप्त किया जाता है वो मैं बता चुका हूँ, नहीं जानते हैं तो अभी फिर मैं क्लियर कर दूंगा। समझ में आया? बस वीडियो के साथ आपको बने रहने की जरूरत है। ख दिया है 36/ खाली स्थान बराबर 12। देखिए आई गया 36/ कितना, यानी 36 को कितने बराबर भागों में बांटा जाए कि 12 प्राप्त हो जाए। देखिए एक पैमाना मैंने आपको लिखवाया था, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है? शेषफल। यही लिखवाया था ना मैंने, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पे क्या प्राप्त करना है? जो खाली स्थान दिया है वही हमको क्या करना है? प्राप्त करना है। प्यारे दोस्तों, दी गई संख्या में, जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखूं 16/4, इससे आप भाग देंगे 16 में 4 से, तो 4 चौके 16, कितना शेषफल प्राप्त हुआ? शून्य। भागफल कितना प्राप्त हुआ? 4। अब 4 से इसमें भाग देंगे ना, तो जो आपका भाजक वही प्राप्त हो जाएगा, यानी भागफल से भाग देने पर भाजक प्राप्त हो जाएगा, और भाजक से भाग देने पर भागफल प्राप्त हो जाता है। तो यहां पे देखिए भागफल दे दिया है, तो उसी से क्या कर देंगे, उसमें हम क्या कर देंगे, भाज्य में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। भाज्य कितना दिया है? 36। भागफल कितना दिया है? 12। तो 12 से ही आप भाग दे दीजिए, 12 तिहाई 36, कितना प्राप्त हुआ? शेषफल कुछ भी नहीं, लेकिन यहां पे 3 प्राप्त हुआ है। मैंने बताया था किसी भी भाज्य में यदि भाजक से भाग देते हैं तो भागफल प्राप्त होगा, और भागफल से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा? भाजक प्राप्त हो जाएगा।
क्या दिया है, भाजक का स्थान खाली स्थान दे दिया है, तो उस खाली स्थान पे आप भर लीजिए कितना, तीन। समझ में आया। इस प्रकार से जैसा सिचुएशन वैसा रूल अप्लाई, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन गौ दिया है, एक हजार गौ दिया है, सौ गुणे एक बॉक्स दिया है और बराबर 500। दोस्तों जो आंसर गुणनफल प्राप्त हुआ है वो दो संख्याओं का ही क्या है, गुणनफल है। तो एक संख्या से यदि उस गुणनफल में भाग देंगे ना तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन दिया हो कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 15 है, उसमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या आप बताइए। तो दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए आप 15 में क्या कर दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए, 5 की आई 15, जो भागफल प्राप्त हुआ 3, वही आपकी दूसरी संख्या। आप जांच कर सकते हैं, 5 × 3, 5 की आई 15। इस प्रकार से आप दूसरी संख्या भी प्राप्त कर लिए। उसी प्रकार दिया होगा दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 50 है, उसमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या बताइए। हमेशा जो गुणनफल होता है वो दो संख्याओं का ही होगा, एक संख्या दिया हो दूसरा प्राप्त करना हो तो जो गुणनफल है ना उसी में आप जो पहला गुणे दिया है उससे भाग कर देंगे। कितना गुणनफल दिया है, 50 और पहली संख्या 10, तो 10 से ही भाग दे दिए, 10 × 50 आपका जो भागफल प्राप्त होगा ना वही दूसरी संख्या हो जाएगी। आप गुणा करके जांच कर सकते हैं, 10 × 50, कुछ गलत प्राप्त हुआ नहीं, कुछ भी गलत प्राप्त नहीं हुआ। प्रत्येक कंडीशन आपके सामने आएगा लेकिन आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं, मैं प्रत्येक कंडीशन का प्रत्येक सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, 1% आपको हिट खिंचाने की जरूरत नहीं, जैसा कंडीशन वैसा रूल। अब खाली स्थान दिया है ना तो गुणनफल आपका दे दिया है 500, एक संख्या दे दिया है 100 तो दूसरी संख्या प्राप्त करनी है, फट से आप घबरा जाएंगे कि इतना बड़ा बड़ा संख्या दे दिया, 500 दे दिया, 100 दे दिया, कैसे करेंगे। 100 का 5 बार पहाड़ा पड़ेंगे, 100 × 5, 500, पूरी पूरी बार विभाजित हो गई, कितनी बार में, 5 बार में। तो जो खाली स्थान दिया है ना, जो बॉक्स दिया है उसमें आप क्या भर लेंगे, 5 भर लेंगे। कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। जो भी पॉइंट करने वाली चीजें होंगी आप नोटबुक में जरूर लिखिएगा, मेरा क्लास करते समय हमेशा नोटबुक और पेन आपके हाथ में होना चाहिए, नहीं तो आप पढ़ते जाएंगे और भूलते जाएंगे, आप फिर शुरू से पढ़ने के लिए खोजेंगे, यही ना। तो आप उस प्रकार से पढ़िए कि जितना आप पढ़ते जाइए आपके दिमाग में फिट होता जाए, ताकि आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जिसमें कुछ क्रियाएं स्वतः ही अपने माइंड से कर लेनी होती है, वो आपको नोटबुक पर नहीं करना होगा, वो आपके दिमाग में ही कर लेनी होगी। तो ये सारी चीजें कुछ पॉइंट करने वाली चीजें होती है, उसको आप याद रखे रहेंगे तो वही आसानी से आप माइंड में सेकेंडों में वो चीजें कर लेते हैं, जिससे कि आपका आगे की जो क्रियाएं करनी होती है वो फास्ट कैलकुलेशन आप कर पाते हैं। अगला देखिए घ दिया है, घ तो देखिए भाज्य ही गायब कर दिया है, यानी पहले ही खाली स्थान, और भाग्य 7 = 7, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो देखिए यहां पे देखिए भाज्य क्या दिया है, हाँ भाज्य कुछ भी नहीं, वही तो प्राप्त करना है, और भाजक क्या दिया है, भाजक आपका दे दिया है 7, अब भागफल कितना दे दिया है, भागफल आपका दे दिया है 7, अब शेषफल क्या है, कुछ भी नहीं, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो भाज्य ही तो प्राप्त करना है ना, तो क्या करेंगे, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक, भाजक दिया है 7 गुणे भागफल दिया है 7, अधन शेषफल कुछ भी नहीं, तो 7 × 7 = 49 कितना हो जाएगा, 49, यानी आपका भाज्य प्राप्त हुआ 49, जो खाली बॉक्स दिया है उसमें आप भर लीजिएगा क्या, 49। समझ में आया। इस प्रकार से जो भी खाली स्थान दिया गया था, जो भी खाली बॉक्स दिया गया था, उसको हमने आसानी से क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 12 पेंसिल 12 रुपए में मिलती है, एक पेंसिल कितने रुपए में मिलेगी। मैं बता चुका हूं आपको, जब भी अधिक का मूल्य दिया हो और एक का पूछ रहा हो तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि एक का पूछने का मतलब उतने बराबर भागों में बांटना। कितने पेंसिल का मूल्य दिया है,
12 पेंसिल का मूल्य कितना रुपया? 12 रुपया। एक पेंसिल का ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? 12 से ही भाग दे देंगे। 12 एकम 12, कितनी बार? एक बार में आप संख्या पूरी पूरी बार विभाजित हो गई। आप आंसर लिख देंगे कि एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 1 रुपया होगा। समझ में आया? अगला, यदि क्वेश्चन समझ में कोई दिक्कत हो होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मुझे भाग करना नहीं आ रहा है और किस क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं। क्लियर? जरूर आप कमेंट कीजिए, आपको उसका सलूशन आपको 100% दिया जाए। समझ में आया? हम उसी लिए है, जो दिक्कत उसका सलूशन आपके घर तक विदाउट टेंशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पुष्पा ने बाग से 72 फूल तोड़े। पुष्पा बाग में गई और उसने कितना फूल तोड़ा है? 72 फूल। उसने 600 फूलों की मालाएं बनाई, कितनी मालाएं बनेगी? टोटल फूल पुष्पा ने कितना तोड़ा था? 72 फूल। कितने कितने फूलों की मालाएं बना रही है? 6 फूलों की, यानी 6 बराबर भागों में बांटना है। तो क्या करेंगे? 6 से इसमें भाग दे देंगे। एक देखिए, 7 बड़ा है ना 6 से, एक ही अंक में भाग देंगे। 6 एकम 6, कितना बचा? 1 गुना 2 उतारेंगे, 6 दूनी 12, कितना शेषफल बचा? कुछ भी नहीं, लेकिन भागफल आपका प्राप्त हुआ है कितना? 12। यानी कितनी मालाएं बनेंगी? 12 मालाएं बनेंगी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, खाली जगह में उपयुक्त चिन्ह प्लस माइनस गुणा भाग लगाओ। प्लस माइनस गुणा भाग, चारों चिन्ह ही दे दिया है, जहां पर जिसकी जरूरत वैसा चिन्ह आपको क्या करना है? खाली जगह पे भरना है। कौन देखेंगे? आपका दिया है 5 खाली स्थान 3 बराबर 15। 5 को यदि 3 में जोड़ते हैं तो क्या 15 प्राप्त होगा? नहीं होगा, यानी प्लस नहीं लगेगा। माइनस, 5 में से 3 घटाएंगे तो 15 थोड़ी प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा, यानी माइनस भी नहीं लगाएंगे। और गुणा 5 दिया है 15, 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 प्राप्त हो जाएगा, यानी जो खाली स्थान दिया है उसमें क्या भर देंगे? आप गुणे का चिन्ह भर देंगे। समझ में आया? अगला ख देखिए, ख दिया है 18 खाली स्थान 4 बराबर 22। 18 को यदि 4 में जोड़ते हैं तो क्या 22 प्राप्त हो जाएगी? 18 और 4 क्या हो जाएगा? 22। जोड़ के देखिए, 18 प्लस 4 बराबर 22, यानी जो खाली स्थान दिया है ख उसमें आप क्या भर लेंगे? प्लस भर लेंगे। समझ में आया? जहां जिस चिन्ह की जरूरत वैसा चिन्ह वहां पे क्या कर देंगे? भर देंगे। गौर देखिए, 16 खाली स्थान 9 बराबर 7। 16 को 9 में जोड़ेंगे तो क्या 7 प्राप्त होगा? योगफल हमेशा दोनों संख्याओं से बड़ी होती है, पहला ही फलाप। दूसरा, 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या 7 प्राप्त होगा? यहाँ पे घटा के देख लीजिए, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया 7 प्राप्त, यानी कि होगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जो खाली स्थान दिया है। समझ में आया? यानी गौ में माइनस भरेंगे। अगला घ दिया है 25 खाली स्थान 5 बराबर 5। तो क्या 25 में आप 5 को जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा? नहीं होगा। 25 में से 5 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा? नहीं होगा। 25 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या 5 प्राप्त होगा? ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि गुणनफल हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ी ही प्राप्त होती है, छोटा हो ही नहीं सकता। अगला, 5 में क्या 25 में 5 से भाग दिया जाए तो 5 प्राप्त होगा? 100% होगा। देख लीजिए, 25 भागे 5, 5 पच्चे 25, भागफल आपका क्या प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह भरेंगे? जो भागफल का चिन्ह होता है, जो भागफल, जो डिवाइड का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, उसे हम क्या करेंगे? यहाँ पे भर देंगे। समझ में आया? इस प्रकार से कितना सीखा, दो भी हमने आसानी से, जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उसको हमने सॉल्व कर लिया। इतना सीखा के माध्यम से ही हम ये भी कह सकते हैं कि लेसन नंबर 5 तक हमें अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।